स्क्रीन में ये जो व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है, ये एक रिले है, इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर प्रोटेक्शन रिले यानी DMPR रिले बोलते हैं। इस रिले में एक PF बोल के एक फॉल्ट आया, PF जिसका मतलब है फेज फेलियर। तो फेज फेलियर क्या है पहले जान लेते हैं। फेज फेलियर है मतलब वायर वाई बी जो तीनों फेज है, तीनों फेज में से एक फेज में वोल्टेज नहीं जा रहा है और वन फेज इज नॉट टेकिंग करेंट, इसे बोलते हैं फेज फेलियर। दोनों फेज में बहुत हाई करंट लेगा, एक फेज में जीरो करंट लेगा, इसे बोलते हैं फेज फेलियर। एक फेज कहीं पे कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो मतलब एक फेज कट गया मतलब एक फ्यूज चला गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसको राइट साइड बटन वाला जो बटन है उसे प्रेस करने से बहुत सारा वैल्यू दिखाई दे रहा है। फेज फेलियर के साथ साथ 3.8, 188, 186 और T11, C39 ऐसा कुछ डाटा दिखाई दे रहा है जो राइट वाला बटन उसको प्रेस करने से। इसका मतलब है कि ये वाला रिले में ट्रिप के साथ साथ और कुछ डाटा प्रोटेक्शन भी है, मतलब जो लास्ट फॉल्ट करेंट है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होके रहता है। तो फेज फेलियर मतलब एक फेज चला गया होगा ऐसा हम डाउट करते हैं। डाउट करने के बाद हम कैसे पता चलाएंगे कि कौन सा फेज चला गया, तो इस पता लगाने के लिए हमें उस तीनों फ्यूज को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका जो फ्यूज कैरियर है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाल के हम इसको मल्टीमीटर से चेक करने से पता चलेगा कि कौन को चेक करेंगे। फ्यूज को चेक करने के लिए हमको एक मल्टीमीटर चाहिए। तो मल्टीमीटर से फ्यूज कैसे चेक करेंगे पहले ये देख लेते हैं। पहले मल्टीमीटर सही है कि नहीं मल्टीमीटर को चेक करना है। पहले आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब सही काम कर रहा है कि नहीं उसको पहले चेक कीजिए। अगर इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, आप टेस्टर लेके काम करने के लिए जाएंगे, टेस्टर ही खराब है तो आपको तो शक लगेगा। इसीलिए जिस इंस्ट्रूमेंट से आप काम कर रहे हैं पहले उसी इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा जांच लीजिए, जैसे हम कर रहे हैं। ये वाला मल्टीमीटर सही है कि नहीं, सही वैल्यू दे रहा है कि नहीं, इसको हम जांच कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर फ्यूज को चेक करेंगे। हमारा जांच में ये पता चला कि ये इंस्ट्रूमेंट सही है, मल्टीमीटर सही काम कर रहा है। सही काम कर रहा है मतलब अभी इसको ओम पे हमने सेटिंग किया, तो जब हम दो लीड को शॉर्ट करेंगे तो ये वाला एक वैल्यू दिखाएगा। OL मतलब इन्फिनिटी, कुछ वैल्यू आ रहा है मतलब उतना ओम, OL मतलब इन्फिनिटी वैल्यू। तो एक एक फ्यूज हमने चेक कर लिया। तो पहला फ्यूज चेक करने से हमको यहाँ पे पता चला कि जो फास्ट वाला फ्यूज है वो फ्यूज OL दिखा रहा था। अभी दोबारा इस वीडियो को देखिए। अभी मल्टीमीटर हम चेक कर रहे हैं, मल्टीमीटर सही है। फिर हम फास्ट फ्यूज को चेक करेंगे, एक बीप का आवाज़ आ रहा है मतलब मल्टीमीटर सही है। अभी ये वाला देखिए, OL दिखाया, ये वाला में 0.2 और लास्ट वाला में 0.2, मतलब लास्ट दो फ्यूज सही है और फास्ट वाला फ्यूज जो मोटा वाला फ्यूज है वो इन्फिनिटी दिखा रहा है, मतलब वही फ्यूज चला गया। फिर हमने उसी फ्यूज को दूसरे फ्यूज से रिप्लेस कर दिया। फिर वो यूनिट को लेकर मॉड्यूल में घुसा दिया। अभी हमारा तीनों फ्यूज रेडी है। फिर ये होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हैंडल देखिए, अभी ये हैंडल ऑफ पोजीशन में है। देखिए आई लिखा है, आई मतलब ऑन और साइड में ओ मतलब ऑफ। तो ऑफ से हम इसको लाइन में ले देंगे, ऑफ से इन को जाएंगे। तो ये मॉड्यूल को हम ऐसे ऑन करते हैं, ये हैंडल को आप क्लॉक वाइज घुमाने से ये ऑन होगा, एंटी क्लॉक वाइज घुमाने से ये ऑफ होगा। और अभी तक हमने वो रिले को रिसेट नहीं किया, ये वाला रिले को मैनुअली रिसेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दो बटन है, राइट साइड वाला बटन प्रेस करने से हमको जो लास्ट फॉल्ट वैल्यू वो सब दिखाई देगा, उसका लास्ट सेटिंग क्या था ये सब दिखाई देगा। सी मतलब 39, मतलब इसका फुल लोड करंट 39 है। एक फेज में जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा कि एक फेज में
3.9 दिखाई दे रहा था, मतलब आर फेज में 3.9, और हमने आर वाला फ्यूज को रिप्लेस कर दिया है और लेफ्ट वाला बटन प्रेस करते ही ये वाला पूरा रिसेट हो जाएगा और हम लास्ट फॉल्ट करंट किया था वो मालूम नहीं कर पाएंगे। लेकिन काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी फेज फेल्योर क्यों आया, यहाँ पे तो फ्यूज चला गया, मतलब लोकल में जो मोटर है मोटर की साइड हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मोटर कैसे चेक करेंगे, मोटर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर में कहीं पे वो मोटर जल गया होगा, हो सकता है। तो पहले वही वाला काम हम पहले करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को हम चेक कर लेंगे। मेगर ये है, ये भी एक डिजिटल मेगर है, ये मेगर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं पहले इसको चेक कर लेते हैं, जांच लेते हैं। तो ये मेगर दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है सब्सक्राइब, आपको बस इस सब्सक्राइब बटन को ऐसे प्रेस करना है, हो गया सब्सक्राइब। और उसके बाद साइड में देखिए एक घंटी नज़र आ रहा है, तो आपको बस इस घंटी को दबाना है और दबा के ऊपर में जो ऑल लिखा है ऑल वाला बटन को प्रेस करना है, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ऐसा करने से आप हमारा जो अपकमिंग वीडियो सब आएगा आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग मैनुअल मेगर में काम किया होगा, ये मेगर भी उसी तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पे हमको उसका वोल्टेज रेंज देखिए डिफरेंट रेंज दिया गया है। वो जो स्विच को घुमाया उसमें से आपको चाहे तो 50 वोल्ट, 125, 250, 500, 1000 तक वोल्टेज का सेटिंग कर सकते हैं। फिर सेटिंग करने के बाद मोटर को कैसे मेगर करते हैं ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ ख़त्म हुआ, इंतज़ार करिए अगले वीडियो का।